जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। इस मौके पर हुई मुठभेड़ में जेकेपी का एक जवान भी शहीद हो गया है। आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। बारामूला के कारेरी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। बता दें कि मंगलवार को आतंकवादियों ने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। सैफुल्ला कादरी जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उनकी 9 साल की बेटी की पहचान सफा सैफुल्ला के रूप में हुई है, जिसे गोली लगने से कलाई में चोट आई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार वो अभी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। सूत्रों के मुताबिक कादरी सहित कई एसओजी कर्मियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वो आतंकवादी खतरे के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए घर न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।